अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई नो मैंने ये चैनल एनिमेशंस अपलोड करने के लिए बनाया था, जो कि मैं एनिमेशंस पर काम कर भी रही हूं, मैं भूली नहीं हूं, बट स्टिल इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आई थॉट कि जब तक मेरी एनिमेशन वीडियो कम्प्लीट होती है तब तक कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर लिए जाएँ, जिनसे जो एडल्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकें और जो अभी छोटे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर नहीं हुए उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। वैसे तो फ्रीलांसिंग काफ़ी इन हो चुकी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, बट स्टिल जितनी तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं पर ईयर, मतलब सब तो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, कुछ तो ग्रेजुएशन के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के लिए मास्टर्स में लग जाते हैं, मतलब आई मीन कुछ, नॉट सारे के सारे, बट कुछ होते हैं जिन पर ये प्रेशर होता है कि लाखों की डिग्री के बाद एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो अगर आप उनमें से नहीं हैं तो लकी हो, बट मेजॉरिटी पर ये प्रेशर होता है जो कि यंग ग्रेड्स को बैड डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाता है। उस बैड डिसीजन मेकिंग में कभी होता है कि आप जिस फील्ड में ज़ीरो इंटरेस्ट रखते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनकम आप उस फील्ड में लग जाते हो, या फिर आप अपनी इंटरेस्ट वाली फील्ड में ही किसी ऐसी जगह शुरू हो जाते हो काम करना, जो जहां आपको आपके काम का रिवॉर्ड उस तरह से नहीं मिलता जितना आप डिज़र्व करते हो, या आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो जहां का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल और पॉलिटिक्स से भरा हुआ होता है। तो यार ये बात तो ऑब्वियस है कि 99% लोगों को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आइडिया भी नहीं होता कि हाउ दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इन दैट कंपनी, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में कहीं भी फिक्स हो जाते हैं। स्टार्ट में तो ऐसा फील होता है कि आप मोटिवेटेड होते हो, फ्रेश होते हो, एनर्जी लेवल हाई होता है, तो आप फील नहीं कर पा रहे होते कि कंपनी वाले आपसे कितना काम ले रहे हैं और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, या उस टाइम पर इतनी खुशी होती है कि आप ये फैक्ट इग्नोर कर देते हो कि आपको कितने काम के बदले कितनी सैलरी मिल रही है, बस क्योंकि आप कमाने लग जाते हो तो यही आपके लिए बहुत होता है। बट इवेंचुअली वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये तो हमारा मच्छर की तरह खून चूस रहे हैं, सैलरी उतनी दे नहीं रहे, और देन ऐसा ऐसा आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हो। फिर कोई आपसे प्रोजेक्ट में चेंजेस या एक्स्ट्रा वर्क का बोलता भी है तो आपका मीटर शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस हैपेंस अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद से नहीं बोल रही, ये प्रूवन है सर्वे वगैरह से कि अगर कोई वर्क प्लेस से या जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, जो कि 85% ऑफ द पब्लिक नहीं होती, तो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, जो कि फिर सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या इवन डिप्रेशन में भी कभी कभी बदल सकती है। वेल दैट इज़ अनदर टॉपिक। हैड बैक टू द पॉइंट, ये सब बातें करने का मकसद ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्टेड फील्ड में काम स्टार्ट कर देना चाहिए, एज अ फ्रीलांसर ही सही स्किल्स डेवलप कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि ये सब कुछ स्किल्स ही होती हैं। और जब आप ग्रेजुएट होते हो तो बस आंखें बंद करके कहीं भी काम नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, ट्राई करें कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, और इवन ज्वाइनिंग के बाद भी आप इवेलुएट करते रहें जिस जॉब को, जिस कंपनी को आप अपने क्लॉथी लाइफ का अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, वो इन रिटर्न आपकी ग्रोथ, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी मेंटल हेल्थ में कितना और किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। स्टार्ट में तो चलो आप कर लेते हो ज्वाइन, बट एटलीस्ट जब आप अपनी स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हो, देन नेवर एवर सेटल फॉर लेस। बाकियों का तो नहीं पता, बट ये सब बातें मुझसे कभी किसी ने नहीं की थी, और टाइम के साथ ही फिर रिग्रेट्स जमा होते गए और टाइम भी ज़ाया हुआ। बट आई होप कि मेरे इस एक्सपीरियंस से किसी और का कोई फ़ायदा हो जाए, और तभी शेयर भी किए हैं थोड़ी बहुत बातें। दीज फॉर सम ऑफ द इशूज, नॉट ऑल ऑफ देम दैट आई हैव एक्सपीरियंस, डेफिनेटली देयर आर अ लॉट मोर, बट वो फिर कभी सही। तो सी यू ऑल लेटर, अल्लाह हाफिज़।